जयपुर विकास प्राधिकरण में अब अपने भूखंड का पट्टा लेने के लिए आपको चक्कर नहीं लगाने होंगे। जेडीए के इतिहास में पहली बार पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जिससे जनता को काफी आसानी होगी। जेडीए की ओर से आम जन को अधिकतम राहत देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नाम हस्तांतरण और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू की गई है। इनके सफल संचालन के बाद अब जेडीए ने भूखंड के पट्टे के लिए भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आज जेडीए के मंथन सभागार में एक आवेदक प्रतीक फागीवाला ने अपने भूखंड के पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर प्रक्रिया की शुरुआत की। इस मौके पर जेडीए आयुक्त टी रविकांत, संयुक्त आयुक्त गिरिराज अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश पराशर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आपको बताते हैं इस प्रक्रिया के तहत किस तरह आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भूखंड के लिए ऐसे करें आवेदन। जेडीए की वेबसाइट पर जाना होगा, वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भूखंड के सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। आवश्यक शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा। दस्तावेज और शुल्क जमा होने के बाद जेडीए जाना होगा। दस्तावेजों के मिलान की तारीख ऑनलाइन मिलेगी। प्रकरण की प्रगति के बारे में SMS और ईमेल से जानकारी मिलेगी। अधिकतम 30 दिन में आवेदक को पट्टा मिलेगा। पट्टा लेने के लिए दो गवाहों की भी जरूरत। इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने बताया कि जेडीए में 90% लोग केवल भूखंड के पट्टे के लिए आते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं किस दिन यहाँ पे वो आना चाहेंगे काउंसलिंग वगैरह के लिए, लेके अपने हाँ वो ऑनलाइन में ही डेट ऑनलाइन में ही सुविधा है। हाँ ऑनलाइन में ही, जैसे ही जो है आप अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरते ही वो एक ऑप्शन आएगा कि भाई कौन से डेट पे आप आना चाहेंगे, तो उसी हिसाब से वो क्लिक करेंगे, उसी हिसाब से हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगा ताकि आज इतने सारे लोग आएंगे। फिर इसमें ये भी है कि जितने भी पट्टे हैं, जैसे कि JDA स्कीम है या निजी खातेदारी है या कोऑपरेटिव स्कीम की है या अलॉटमेंट है या ऑक्शन है, ये सारी के सारी पट्टे जो है इसमें सारी सर्विसेज दी हुई है। कौन से सर्विस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देनी है वो भी एक आदेश में दिया हुआ है, उस ऑप्शन में भी आता है। तो इसी से हमारी उम्मीद है कि जो गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी का जो उसमें जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उससे पहले पहले ही हम ये सर्विस दे सके पब्लिक को। और इसमें जो है गत 2-3 महीनों से हमारी पूरी IT टीम और अपने जो सेक्रेटरी और एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर्स और DC सब लगे हुए थे, आज ये पूरा हम कर पा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि इस सेवा से जो है नागरिक संतुष्ट होंगे और आगे भी ऐसी सर्विसेज हम करते रहें। जेडीए में करीब 13 साल पहले नागरिक सेवा केंद्र की शुरुआत की गई थी, तब ये दावा किया जा रहा था कि जेडीए से जुड़े कार्यों के लिए इस सुविधा से लोगों को बेवजह जेडीए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन पर्याप्त मॉनिटरिंग के अभाव में स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग होगी और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ही इस प्रक्रिया का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।